गुड मॉर्निंग बच्चों, 3-4 दिन से वीडियो नहीं भेज पाया था। अभी उस तैयारी कर रहा था कि यहाँ क्लासेस लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली केसेस बढ़ने की वजह से, खैर गाड़ी चलती रहेगी, अपन पढ़ाई करते रहेंगे। और अब थोड़ा सा कुछ चीज़ें चेंज कर रहा हूँ मैं टेस्ट को रेगुलर करने के लिए। कल से आप LLB के टेस्ट चालू करेंगे, रोज़ एक टॉपिक मैं दूंगा, उसको ख़त्म करना अगले 5 दिन में, 5 से 6 दिन में बस ख़त्म, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 5 नंबर पक्के करने अपने को। चलो, अब आज हम लोग पढ़ने वाले फाइनेंशियल डिस्क्लोज़र्स। यार देखो क्या होता है, जब हम कोई भी बिज़नेस फॉर्म चूज़ करते हैं ना, चाहे हम सोल ट्रेडिंग कंसर्न चूज़ करते थे या HUF, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ होता है, या पार्टनरशिप फॉर्म या LLP या कंपनीज एक्ट, तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसमें डिस्क्लोजर्स कितने करने वाले, लाइक कंप्लाइंसेस, कि हमें कितनी बार अपने इनकम को, एक्सपेंडिचर को, अपने लेन देन को, डेबिट को, क्रेडिट को शो करना पड़ेगा, अपनी बैलेंस शीट्स को, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। तो जहाँ ज़्यादा कंप्लायंसेस होते हैं वहाँ इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ मैं, डरते हैं वो लोग। तो LLP कंपनीज एक्ट में बहुत ज़्यादा कंप्लायंसेस है, पार्टनरशिप में नहीं थे। तो अब अपन देखेंगे कि जो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जिसको BOC भी कह सकते हैं, और अदर रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट, वो LLP को मेंटेन करना पड़ता है एज पर सेक्शन 34। नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म को इतने ज़्यादा कंप्लायंसेस नहीं होते थे। ठीक है, क्या लिखा है सबसे पहला पॉइंट उसमें, LLP शैल मेंटेन्स, शैल आ गया मतलब मैंडेटरी हो गया, लॉ में शैल वर्ड का मतलब होता है मैंडेटरी, कंपलसरी, दे हैव टू मेंटेन द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय कंपनीज एक्ट और देयर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, है ना। उनको अपने जो डेली अफेयर्स है उसको रिकॉर्ड करके रखना है हर साल के, और नॉर्मली कंपनी क्या करती है, इसको मेंटेन करके रखती है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में, सॉरी कैश के रूप में, कितना पैसा आपको मिला या गया, या कितना पैसा आपको मिलने वाला है या जाने वाला है, एक्रुअल मतलब मिलने वाला है और जाने वाला है, कितना जा चुका है और आ चुका है ना, 1 और 2, ये सब आपको बताना पड़ेगा, है ना। अब डेफिनेटली डबल एंट्री सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं, डेबिट क्रेडिट, सिंगल एंट्री सिस्टम नॉर्मली सोल ट्रेडिंग फॉलो करता होगा, मगर अभी आप LLP जाएँ या कंपनी जेड जाएँ, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होती। आप इन रजिस्टर को कहाँ संभाल के रखते हैं, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में, जहाँ कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, जहाँ कंपनी रजिस्टर्ड हुई है बेसिकली। अब ध्यान दो, मान लो 2020 का आपने बैलेंस शीट बनाया या बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया और इसको सबमिट कर दिया आपने, लिया के कहाँ, मतलब एक तो ROC को जाएगा, पब्लिश भी करोगे आप, पब्लिक कंपनी तो पब्लिश भी करती है अपने स्टेक होल्डर्स के लिए। तो 2020 में आपने रजिस्टर्ड ऑफिस में अपने उसको प्रिजर्व करके रख दिया संभाल के, तो मिनिमम कितने साल तक संभाल के रखना पड़ता है मालूम क्या, उसकी लास्ट डेट से 8 साल तक, 8 ईयर्स, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिजर्वेशन फॉर परमानेंट रिकॉर्ड। 8 साल से उसकी लास्ट डेट एंट्री से उसको बोलते हैं परमानेंट रिकॉर्ड, ये याद रखना, भूलना मत। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया फॉर सच पीरियड, बट बेसिकली बता दिया आपको 8 साल फ्रॉम द लास्ट एंट्री। ठीक है, अब ROC के अलावा, सॉरी ROC नहीं, अब आपको अगर अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी और ब्रांच में रखना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, हो सकता है ना, तो उसकी कुछ कंडीशंस है। पहले आपके लिए, आपको उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अपनी जनरल मीटिंग में। फिर दूसरी बात कि आप जो, जहां आपकी ब्रांच होगी वहां कम से कम आपके 1/10 मेंबर्स होने चाहिए, जैसे मान लो 1000 शेयर होल्डर है तो 100 शेयर होल्डर कम से कम वहां होंगे, तो वहां आप रख सकते हो ब्रांच में। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, SOA एंड सॉल्वेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा देना पड़ता है अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फ्रॉम द बैंक, बैंक से लेके, कि भाई मेरे पास इनफ कैश है, है ना, सॉल्वेंट हूँ मैं, इनफ बैंक स्टेटमेंट्स है मेरे पास में जो ये प्रूफ करते हैं कि मैं इंसॉल्वेंट होने की कगार पे नहीं हूँ। हमको भी देने पड़ते हैं ना इंडिविजुअल्स के तौर पर, क्या लिखा, एवरी LLP शैल, यानी कंपलसरी, विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, जैसे ही उसका हर फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा तो उसके 6 महीने के अंदर, जैसे 2020 खत्म हुआ फॉर एग्जाम्पल है तो 31 मार्च को खत्म ही हुआ, एग्जाम्पल के लेना, तो उसके 6 महीने के अंदर आपको अपना बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि यू आर सॉल्वेंट, है ना, और बैंक अकाउंट में से दिख जाता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, इंसॉल्वेंसी के कगार पे नहीं रहते आप, क्योंकि आपको फिर फर्दर लोन के लिए दिक्कत नहीं होगी ना, या जो आप कैपिटल इशू करेंगे। ठीक है, ओके, ये तो वही लिखा है फिर फाइनेंशियल ईयर के लिए, और जो स्टेटमेंट होगा बैंक अकाउंट का वो साइन करेगा कौन, डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। 2 अपॉइंट किए जाते हैं, एक इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए,
सही है, दिक्कत नहीं है। एवरी एल एल बी फाइल विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, अभी पढ़ा है प्रिस्क्राइब मतलब 6 महीने, द स्टेटमेंट अकाउंट ऑफ सॉल्वेंसी प्रिपेयर्ड पर्सन टू सबसेक्शन 2, किसके पास फाइल करोगे आप? ROC एवरी ईयर, उस तरीके से और उस मैनर से है ना जो आपको कंपनीज एक्ट ने बताया है, और साथ में फीस भी पे करोगे। अब सबसेक्शन 2 आ गया, तो जैसे देखो सब तो यहाँ लिखा ना 6 महीने है ना, और डेजिग्नेटेड पार्टनर की साइन, ये होता है सबसेक्शन 2 फॉलो करना, मतलब उसको फॉलो करके हर साल ROC को आपको सबमिट करना पड़ेगा 6 महीने के अंदर विद प्रॉपर मैनर विद प्रॉपर फीस। करोगे ना, ROC के पास रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है बराबर है, वो रिकॉर्ड अपने आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुँच जाएगा अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो। जो अकाउंट्स होते हैं LLP के वो ऑडिट किए जाएंगे अकॉर्डिंग विद द रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। नॉर्मली क्या होता है, कंपनियों के लिए ऑडिटर अपॉइंट किए, जैसे पब्लिक कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी के लिए जो CAG होता है, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो सबसे बड़ी हमारी ऑडिटिंग संस्था है सरकार के द्वारा अपॉइंटेड, आइसोलेटेड संस्था है, ऑटोनोमस है, मगर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। तो वो तो पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनियों में अपनी ऑडिटिंग करते ही करते हैं, क्योंकि पैसा पब्लिक का लगा होता है। तो यहाँ पर भी देखो लिखा ना इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन दे सकता है कहाँ पर, अपने ऑफिशियल गैजेट में, मतलब ऑफिशियल पब्लिकेशन में लिख लेना इसको, सरकारी पब्लिकेशन, कुछ कंपनियों को एग्जेम्प्ट कर सकता है वो ऑडिटिंग के लिए, जैसे कुछ जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट पढ़ाया था मैंने आपको, या स्मॉल कंपनी हो गई या OPC हो गई, इनको ऑडिटर ऑडिटिंग कराना कंपल्सन नहीं हो सकता, या LLP भी हो गया, देखो लिखा ना उसमें सच क्लास ऑफ LLP, जैसे प्राइवेट कंपनी हो गई या पब्लिक कंपनी हो गई गवर्नमेंट कंपनी हो गई, इन लोगों के लिए तो कंपल्सन है आपको ऑडिटिंग करवानी, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट हम लोग जनरल मीटिंग में रखते हैं ना, उससे हमको समझ में आता है कि कहीं कंपनी ने कुछ झोल झाल तो नहीं किया है। तो कुछ कंपनियों को इसलिए तो फिर लोग लीगल कंपनी बनाने से कंप्लायंस से डरते हैं ना, तो कुछ कंपनियों को सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्ट कर सकती है, बताया ना स्मॉल कंपनी 1% कंपनी सच क्लास ऑफ LLPs भी, ठीक है। अब अगर मान लो आपने अपना बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार नहीं किया 6 महीने के अंदर, आपने अगर उसको ROC को नहीं दिया, उसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर की साइन नहीं है, ये सब अगर आप फॉलो नहीं करते सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2, तो डेफिनेटली फाइन लगेगा LLP को 25,000 और एक्सटेंड टू 5,00,000, और जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है जिसकी जिम्मेदारी थी सबमिट करने की, उसको फाइन लगेगा कम से कम 10,000 और मैक्सिमम 1,00,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की इम्प्रिजनमेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए सिविल नेचर का फाइन हो गया, सिर्फ यहाँ पर कंपनसेशन ही मांगा जा रहा है, क्योंकि अगर जेल वेल होती तो फिर दिक्कत वो क्रिमिनल नेचर का हो जाता, क्रिमिनल लाइबिलिटी हो जाती। एनुअल रिटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है आपको छोटा सा। कंपनी जब किसी भी प्रकार के, जैसे LLP स्पेशल, वो कंपनी का फॉर्म ही एक प्रकार का कंपनी से हाइब्रिड है, तो अगर आप किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी इशू करते हो, जैसे कि लोन या शेयर या पब्लिक डिपॉजिट या डिबेंचर, ध्यान देना, तो आप जब भी इशू करते हो ना, हर साल आपको एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है ROC के पास में, कि हमने अलॉटमेंट किया, हमने इशू किया, जो क्या लिखा उसमें, आप एक एनुअल रिटर्न फाइल करोगे, ठीक है, एक मिनट सॉरी, ऑथेंटिकेटेड रहेगा कॉमन सैलरी कंपनी किसके पास, रजिस्टर्ड विद इन 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन सच फॉर्म एंड मैनर। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 2020 में शेयर इशू किया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी LLP ने किसी प्रकार का कैपिटल इशू किया, तो उसका एनुअल रिटर्न आपको, जैसे मैंने 2020 में किया, तो 2021 में जैसे ही मार्च आएगा और फाइनेंशियल खत्म हो, उसको 2 महीने के अंदर मुझे ROC को बताना पड़ेगा एनुअल रिटर्न के द्वारा, है ना, उसमें काउंटर साइन होगी सेक्रेटरी की और डायरेक्टर की, दो डायरेक्टर की साइन होगी, उसमें लिखा होगा कि हमने किस प्रकार के अलॉटमेंट और इशूइंग की है। और अगर आप नहीं बताते हो, बताना पड़ेगा ना आपको अपने कहाँ कहाँ से कैपिटल, तो लेकिन LLP को फाइन कितना है, 25,000 मिनिमम, मैक्सिमम 5,00,000, और डेजिग्नेटेड पार्टनर को सेम फाइन है यार 10,000 से लेकर 1,00,000 तक का, क्लियर है, समझ में आया। छोटा सा सेक्शन है एनुअल रिटर्न का, अलॉटमेंट रिटर्न बोलते हैं, जैसे शेयर अलॉट किए तो उसके एक साथ जैसे ही अलॉट करोगे तो अगले फाइनेंशियल ख़त्म होने के 2 महीने के अंदर बताना पड़ेगा कि इतने शेयर हमने अलॉट किए, है ना। किसी भी प्रकार के अलॉटमेंट में इशूइंग में आप बताते हो ये चीज़, याद रखना इस बात को, लिख लेना अपनी कॉपी में, अलॉटमेंट में इशूइंग में, चाहे वो अलॉटमेंट ऑफ शेयर हो, डिबेंचर हो, पब्लिक डिपॉजिट हो। पब्लिक डिपॉजिट में तो ऐसा होता है कि आपको हर 36 महीने के लिए इशू होता है ना, वो 36 मंथ के लिए, मतलब 3 साल बेसिकली, तो आपको हर 12 महीने के बाद में एनुअल रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं कि कितने इशू किए हैं, कितने हमने वापस कर दिए, बताना पड़ता है आपको एनुअल रिटर्न किसको, ROC को, क्लियर। यहाँ तक छोटे छोटे सेक्शन में क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, और बहुत चांस है कि इसमें से एक आध क्वेश्चन आए, तो इसको लिख के पढ़ के ख़त्म कर देने का तुरंत, फिनिश। सही है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्जन इनटू LLP। अब बहुत सीरी सी कंपनियाँ, प्राइवेट कंपनियाँ, पब्लिक कंपनियाँ,
ना जिनको कन्वर्ट होना पड़ता है एलएलबी में, तो बहुत सारे एग्जेम्पशन आपको मिलेंगे, बहुत सारी बेनिफिट्स भी आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर सेक्शन 55 क्या बोलता है, अ फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म, अगर वो जो 1932 के रूल को फॉलो कर रहा है, अगर उसको कन्वर्ट होना का है एलएलबी में, तो बहुत सारे चेंजेस अपन ने पढ़े। सर मेंबरशिप में अनलिमिटेड मेंबरशिप है, उनकी मैक्सिमम 20 और 10 होती थी, है ना, बैंकिंग नॉन बैंकिंग में। लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी, सेपरेट लीगल एंटिटी होगा, पढ़े होगी नहीं पढ़े अपन लोग ने, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। अगर किसी प्राइवेट कंपनी को एलएलबी में आना है तो उसको सेक्शन 56 फॉलो करना पड़ेगा। और कौन सा शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल ऑफ एलएलबी। शेड्यूल्स में आपका एक एक्सप्लेनेशन होता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, है ना, जो भी पॉइंट्स ऑफ पढ़ने वाले डिस्कवर करने वाले उसका एक एक्सप्लेनेशन होता है शेड्यूल में, है ना। तो अगर प्राइवेट कंपनी जब कन्वर्ट होगी अगर किसी भी प्रकार से एलएलपी में, तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। जैसे मेंबरशिप को लेके उनकी मैक्सिमम 200 होती ना प्राइवेट कंपनी वालों की, बहुत सारे चेंज आएंगे। नाम के आगे क्या रखता था, लिमिटेड या एलएलपी लगेगा। ओके, पब्लिक कंपनी होती है तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा भाई, नाम के आगे एलएलपी आ जाएगा, लिमिटेड हट जाएगा। मेंबरशिप उनकी अनलिमिटेड होती थी, इनकी भी अनलिमिटेड होगी, मगर इनकी मिनिमम 7 होती थी पब्लिक कंपनी की, तो इनकी मिनिमम 2 है। पढ़े होगी नहीं पढ़े अपन लोग ने, तो ये सब चीज़ें हैं, अपन दिक्कत नहीं है पढ़ने में, है ना, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन और इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन, अपन अब कन्वर्जन में आए 58। देखो रजिस्ट्रार के पास किया आपने कन्वर्जन अपना, किसके पास जाओगे, उसी के पास जाओगे ना। अगर वो सेटिस्फाइड रहा कि जो फॉर्म जो या प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनकी लिस्टिंग नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में, अगर वो कन्वर्ट होना चाहते हैं किसमें, एलएलबी, और उन लोगों ने पूरे प्रोविजंस को फॉलो किया है, किसके शेड्यूल्स के, सेकंड थर्ड शेड्यूल जो हमने ऊपर पढ़ा अभी, और फोर्थ शेड्यूल, तो रजिस्ट्रार पूरे डॉक्यूमेंट देखेगा पहले तो कि सब सही है, फिर इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। किनको, इनको इनको इनको, है ना, और उनके नाम के क्या लग जाएगा, एलएलपी सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। मगर कब, जब वो सेटिस्फाइड रहेंगे कि वो लोग पूरे डॉक्यूमेंटेशन को या पूरी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर चुके, जो मैंने आपको बताया मेंबरशिप को लेके कुछ होगी, नाम के आगे जो उनका जो सफिक्स लगा है उसको किस तरीके से चेंज करना है, वो सब कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो पूरे कन्वर्जन इन शेड्यूल्स में लिखे हैं, फॉर्म का इसमें, प्राइवेट कंपनी का इसमें, और पब्लिक कंपनी का इसमें, है ना, एलएलपी के शेड्यूल्स में लिखे हुए हैं। ओके, क्लियर है, है ना। अब रजिस्ट्रेशन हो गया उसका, तो रजिस्ट्रेशन के 15 दिन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा रजिस्टर फॉर्म को और रजिस्टर ऑफ कंपनीज को, विच इट वॉज रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट 1956। देखो ध्यान दो, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको, मैं मेरी मुंबई में अगर मान लो कि एलएलपी है, सॉरी पार्टनरशिप फॉर्म है, या कोई कंपनी है जो 1956 एक्ट के अनुसार इस्टेब्लिश हुई थी, और मुझे कन्वर्ट करना है इसको किसी एलएलपी में, और वो मुझे फॉर्म करना है दिल्ली में, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो जैसे ही मुझे सर्टिफिकेट इशू करेगा, करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एज एन एलएलपी, तो मुझे जो मेरा पुराना रजिस्ट्रेशन ऑफिस था, चाहे वो पार्टनरशिप फॉर्म में आरओएफ था, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म, या कंपनीज में आरओसी था, उनको मुझे रजिस्ट्रेशन के 15 दिन के अंदर बताना पड़ेगा कि भैया मुझे सर्टिफिकेट इशू हो चुका है। क्लियर है, कन्वर्जन का आपको उनको जानकारी देनी पड़ेगी अपने पुराने आरओसी को या आरओएफ को। अब अगर उसी में आप कन्वर्ट हो रहे तो दिक्कत नहीं है, उसी रजिस्टर्ड ऑफिस में अगर आप कन्वर्ट हो रहे हैं मुंबई को मुंबई में, तो फिर दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या लिखा है, कन्वर्जन हुआ जो पार्टनर से फर्म के और जो शेयर होल्डर से प्राइवेट और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के, है ना, फिर वो कौन से शेड्यूल्स को बाउंड होंगे, चलो बताओ, पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करेंगे, कंपनीज एक्ट को फॉलो करेंगे, या फिर वो एलएलपी एक्ट को फॉलो करेंगे। डेफिनेटली एलएलपी एक्ट को लिखा ना, उसमें कंपनी जो कन्वर्ट हुई है वो सब बाउंड रहेंगे बट द प्रोविजन ऑफ वेरियस शेड्यूल्स, और वो सब शेड्यूल किसके रहेंगे, एलएलपी एक्ट 2008, भाई इसी को फॉलो करोगे ना। जैसे कि लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी, सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, फॉर्म में ऐसा नहीं होता था ना पहले, पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती थी, याद होगा आपको, ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन होता था, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अपॉन सच कन्वर्जन ऑन और फ्रॉम द डेट ऑफ, जैसे उसको सर्टिफिकेट इशू किया था किसने, आरओसी ने। हम अगर कन्वर्जन के लिए आप आरओसी के पास ही जाओगे, आरओएफ के पास नहीं, ध्यान रखना। द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन शैल बी स्पेसिफाइड इन द वेरियस शेड्यूल, मतलब कन्वर्जन के बाद आपकी फॉर्म पे या कंपनी पर या अनलिस्टेड कंपनी पर क्या इफेक्ट आने वाला है, वो आपको एलएलपी के शेड्यूल में मिल जाएगा, जो चेंजेस मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मेंबरशिप को लेके, लाइबिलिटी को लेके।
तो जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिला उसी वक्त से वो कन्वर्जन के इफेक्ट चालू हो जाएंगे, फिर आप अपने आप को फर्म या प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मानना बंद कर देना उसी दिन से जिस दिन आपको ROC ने सर्टिफिकेट इशू किया। क्लियर है? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या लिखा है भैया? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, इस लॉ में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला ROC के द्वारा, मिला कि नहीं मिला, पहले तो LLP का नाम आ जाएगा, देयर शैल बी LLP बाय द नेम स्पेसिफाइड, उसका नाम आ जाएगा एज एन LLP। उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, मूवेबल इमूवेबल, चाहे इंडिजिबल प्रॉपर्टी हो, जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है ना, जो पहले किसके नाम पे थी, फर्म के नाम पे, कंपनी के नाम पर, तो वो सब अब किसके नाम पे हो जाएगी, LLP के नाम पर। जितनी भी एसेट्स थी, जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट थे, जो राइट्स थे, जो प्रिविलेजेस थे, जैसे किसी से इंटरेस्ट लेना होगा या किसी को इंटरेस्ट देना होगा, किसी होता ना आप एज ए फर्म एज ए कंपनी, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइबिलिटी भी होती है, ऑब्लिगेशन भी होते हैं। तो जो जो उस फर्म पे बेनिफिट्स थे या लाइबिलिटी थी, जो भी था, जो भी एसेट्स थी कंपनी पे, प्राइवेट कंपनी पर या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, वो सब LLP पर भी लागू होंगी। ठीक है? ऐसा नहीं कि आप कन्वर्ट हो गए तो आपकी लाइबिलिटीज खत्म हो गई। आपकी एंटिटी ज़रूर चेंज हुई है, पर आपके ऊपर आपकी जो एसेट्स थी, आप पे जो लाइबिलिटी थी, आपके जो बेनिफिट्स थे, वो आपको ही मिलेंगे, और अगर कुछ देना होगा तो आपको ही देना होगा। ये अच्छा पॉइंट है। ठीक है? ये लिखा हुआ है जितनी भी उनकी अंडरटेकिंग्स थी वो सब किसके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगी, LLP के नाम पर, बिना बोले, बिना डीड, बिना एक्ट के भी। कुछ कोई डीड साइन नहीं भी करोगे तो अपने आप, यानी अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक पार्टनरशिप फर्म थी, उसने किसी से लोन लिया था, मान लो किसी CA की पार्टनरशिप फर्म थी वो, अब वो LLP में तब्दील हो गई, तो मान लो इन पे कोई ऑब्लिगेशंस थे, तो वो ऑब्लिगेशन तब भी रहेंगे जब आप LLP में कन्वर्ट हुए हो। ऐसा नहीं कि आप LLP में कन्वर्ट हुए तो आपके ऑब्लिगेशंस खत्म, ये ध्यान रखो इस बात को। मान लो आपने किसी की कोई स्पॉन्सरशिप खरीदे थे या किसी प्रकार की कोई आपने फ्रेंचाइजी खरीदी थी, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी तो उसी में आएगा, तो जब आप वो LLP में कन्वर्ट होगे तब भी आप उसे खरीदार कहलाओगे, तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आपने किसी से लोन लिया था तो LLP में कन्वर्ट होने के बाद वो लोन ख़त्म नहीं होगा, वो लोन आपको पे करना ही पड़ेगा, है ना। उसमें किसी एश्योरेंस की, एक्ट की या किसी डीड या डॉक्यूमेंट को साइन करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाएगा। समझा क्या बोला मैंने? दिक्कत नहीं ना? ठीक है। और ऑटोमेटिकली जैसे रजिस्ट्रेशन इशू हुआ आपको, इनकी एंटिटी खत्म, अपने आप उनका नाम हटा दिया जाएगा, कहाँ से, फर्म का नाम यहाँ से और कंपनी का नाम यहाँ से, अपने आप हो जाएगा डीम्ड, मतलब अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा, उनको आपको रिकॉर्ड से हटा देना होगा, क्योंकि उनकी एंटिटी बची नहीं ना, अब वो LLP हो गए। ठीक है? प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ेंगे, प्लीज़ इट्स ए रिक्वेस्ट, अच्छे से सुनेंगे, है ना। ओके, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को लगता है क्वेश्चन एग्जाम में ये वाला पूछ सकते हैं, ये दोनों जज पढ़ा है ना, एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ आएगा एग्जाम में, उसको ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, अच्छे से सुनना, स्लो स्पीड में सुनना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब होता है जो लॉ अभी चलन में है, फोर्स में है, तो लॉ में ऐसा कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब ये होता है जब कुछ नहीं दिया है तो वही लागू होगा जो यहाँ लिखा है, ऐसा मतलब उसका। ठीक है? क्लियर?